दूसरी प्रॉब्लम यही थी, गाड़ी का स्टेयरिंग मुड़ रहे हो, टायर मुड़ी नहीं रहे। आप भी Z4 खरीदते हो तो ध्यान रखना, ट्रिप ए और ट्रिप बी बार बार जीरो होता ही होता है। अभी जैसे इससे पहले आप सफारी चला रहे थे तो उसमें ज्यादा मजा आता था चलाने में, या फिर स्कॉर्पियन में ज्यादा मजा आ रहा था? देखो, इस गाड़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आई है भाई, एक गाड़ी आई थी मेरे पास, इस गाड़ी में चलते चलते ये एक्सलेट होनी बंद हो जाती है। तो गाइस आज ना मैं आप लोग के लिए एक स्कॉर्पियन का ओनरशिप लेके आया हूँ, तो कौशिक सर से बढ़िया तो भाई स्कॉर्पियन के बारे में कौन बता सकते हैं। एक तो 1.5 साल से भाई स्कॉर्पियन को यूज कर रहे हैं, और मुझे आपने सर कितनी गाड़ियों को ओनरशिप कर लिया? मैंने तो 100 गाड़ी का रिव्यू ओनरशिप कर दिया है। 100 गाड़ियों का मतलब पूरा एक्सपीरियंस है आपके पास में, सारी प्रॉब्लम जितनी भी है और बाकी आपकी गाड़ी में भी जितनी प्रॉब्लम है सबका आपको पता है ना। और आपने ये गाड़ी सर कितनी चला दी वैसे? 35K चल चुकी है, 35,000 किलोमीटर 35K चल चुकी है। तो ओनरशिप करने से पहले ना भाई मैं अपना प्रोडक्ट भाई सर को देता हूँ, ये मतलब एक छोटा सा गिफ्ट आप समझ सकते हो हमारी तरफ से। ये कैसे है भाई, धूप में अगर आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हो ना तो इसको विंडशील्ड पे लगा देना सर, और आपकी गाड़ी क्या है कैबिन इससे गर्म नहीं होगा। और बाय करने के लिए अगर आप भी बाय करना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर से या फिर अमेजोन से बाय कर सकते हैं। अब भाई सर सीधा सीधा ना, क्योंकि मेरे को ना गिफ्ट ज़िंदगी में बहुत कम मिले हैं, तो गिफ्ट जब मिलता है तो मुझे थोड़ी खुशी होती है कि मैंने लाइफ में गिफ्ट दिए तो बहुत है, मिले बहुत कम है। चलो आपने सो नाइस ऑफ यू कि आपने मेरे को गिफ्ट दिया, थैंक यू सर। मैं यूज़ करूँगा इसको बिल्कुल सर। और रिस्पॉन्स जरूर बताना सर इसका कैसा है। जी जरूर बताओ। अब सर ये बताओ कि आपने अपनी ये स्कॉर्पियन कब परचेज की थी? दिसंबर 2022 पे। हाँ जी, और ये वेरिएंट कौन सा है? Z4 ऑटोमेटिक। 4x4 क्यों नहीं ली सर आपने? मैं 4x4 का ड्राइवर भी नहीं हूँ, मेरी अच्छा यूज़ भी नहीं थी, और अच्छा मेरे को जो 4x4 में ये ऑटोमेटिक चाहिए थी, और सॉरी मुझे ऑटोमेटिक चाहिए थी, मेरा बजट भी था तो मैं 4x4 में गया भी नहीं। अच्छा, और आपको कितने की पड़ी थी सर ये? ये मेरे को उन दिनों पड़ी थी ऑन रोड 18,40,000 रुपीज। आपकी इंट्रोडक्टरी वाली थी ना सर ये? सर आपने देखो अभी ये 35,000 चला दी लगभग 1.5 साल में ना, तो हर 30,000 रुपये गाड़ी की सर्विस भी हो जाती है, 10,000 रुपये होती है, हम मतलब 30,000 में 3 सर्विस हो गई है, चार सर्विस है, 1,000 रुपये पहले, 1,000 रुपये 10,000 रुपये ठीक है, फिर 20,000 रुपये ठीक है, चौथी हुई मेरी अभी 30,000 रुपये हो गई। कितनी फ्री सर्विस मिलती है सर इसमें? तीन शुरुआत, लास्ट टाइम 30,000 वाली पेड सर्विस थी। वो कितने की सर्विस हुई? मेरी सर्विस हुई वो एक पार्ट्स खराब था वैसे तो 6,000 में हो जाती है। लेबर कॉस्ट कितनी लगती है कुछ पता है? 3,000 लेबर कॉस्ट। और इसमें चेंज क्या क्या करते हैं उसके अंदर? वैसे देखो ना तो कूलेंट चेंज, ये तो इंजन ऑयल चेंज होता है ठीक है, एक एसी का फिल्टर मैंने लास्ट टाइम चेंज करा लिया था, वरना 30,000 की सर्विस में चेंज होता है ठीक है, डीजल फिल्टर चेंज होता है, डीजल फिल्टर, और एक 2-3 रिकॉल आ रखे थे वो उन्होंने फ्री चेंज किए। हाँ, वो एक तो पुली का आ रखा होगा, हाँ वो उन्होंने शाफ्ट के नट का और एक एयर बैग का। तो मेन देखा जाए तो डीजल जो ऑयल होता है वो आता है इसके अंदर, डीजल फिल्टर आता है, और एक उन्होंने शायद इसके अंदर कोई फिल्टर और भी था, ऑयल फिल्टर ऐसे कुछ चेंज किया था, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और एक डीजल फिल्टर, बस ये तीन चीज मेन चीज होती है। कूलेंट इसमें वही चल रहा है जो गाड़ी का फर्स्ट डे से इसमें डाला हुआ है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो सर इतनी भारी भरकम गाड़ी, मैं अपनी सैलरी करवाने निकलता हूँ ना तो मैं एजेंसी से कराता हूँ तो 8,000 रुपये लग जाते हैं सैलरियों के अंदर में, जिसमें 3 लीटर इंजन ऑयल आता है, इसके अंदर में तो शायद 6 लीटर आते हैं, मुझे जैसे कि इस गाड़ी को चलाने में सर्विस कराने में तकलीफ महसूस नहीं होती, बहुत ही रीजनेबल सर्विस कॉस्ट होती है इसकी। और 30,000 किलोमीटर आपने चला लिया अभी, इसमें माइलेज क्या दे रही सर ये? क्योंकि जब कोई ओनर गाड़ी खरीदता है तो वो यही सब चीज़ें देखता है कि भाई माइलेज क्या दे रही है, मेंटेनेंस कैसे रहता है गाड़ी का। सबसे पहले बताऊँ मुझे इस गाड़ी ने माइलेज में कभी तकलीफ दी नहीं है, जैसे जैसे मैं गाड़ी की सर्विस हो रही है और मुझे ये गाड़ी जो मैं चलाता हूँ हल्का फुट रखता हूँ, और मुझको गाड़ी ये हाईवे पे 16+ दे देती है, 16+ एसी में दे देती है ठीक है, और विदाउट एसी 18+ दे देती है, और सिटी के अंदर मुझे ये 11 से 12 दे रही है, एसी में ऑन रखता हूँ, सिटी मोड पे चला रहा हूँ आजकल मैं इस गाड़ी को, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद एसी चलाते हुए मुझे इसको जिप मोड पे नहीं करना चाहिए, तो जैप मोड पे चलाता हूँ, ये सिटी मोड कहते हैं आप, तो माइलेज की 11-12 दे देती है जैप मोड पे एसी में, और हाईवे पे 16 और विदाउट एसी 18 ठीक है। एक और चीज़ बताओ सर, ये इसके अंदर में 3 मोड्स दे रखे हैं, जिप, जैप, जूम। हाँ। अब जो मेरी स्कॉर्पियन है वो जैप मोड में स्टार्ट होती है, यानी जो नॉर्मल मोड जैसे बोलते हैं मोड उसी में वो आपकी भी इसी में स्टार्ट होती होगी शायद, तो इसी में स्टार्ट होती है, तो हमें जैप मोड में कब चलानी चाहिए, जिप में कब चलानी चाहिए और जूम में कब चलानी चाहिए? जब भी आप सिटी में गाड़ी चलाएंगे जी, हल्की स्पीड पे गाड़ी चलेगी 2nd-3rd गियर पे, तो सिटी मोड पे गाड़ी चलानी है आपको। ऐसा क्यों सर?
क्योंकि ये गाड़ी सिटी मोड पे क्या था, गाड़ी ज़्यादा पावर मांगती है पहले दूसरे तीसरे गियर पे। जब भी कभी जो मेरी नॉलेज है मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपसे, अगर मैं रॉन्ग तो बताना। हाईवे पे गाड़ी जब चलाएंगे तो आप एक रिदम में गाड़ी चलती है 80 पे, तो तब आप जिप मोड पे ट्राई करेंगे। और स्पेशली सिटी में आप एसी भी ऑन करते हैं तो थोड़ी पावर ज़्यादा चाहिए होती है, गाड़ी दबती नहीं है। अगर जिप मोड पे आप एसी ऑन करते थे तो गाड़ी दबना हाँ मतलब पिकअप थोड़ा देर लगाती है। तो ये मेरी नॉलेज है, तो मैक्सिमम आपको जिप मोड पे नहीं चलानी चाहिए। जिप हाईवे है, जैप मोड यानी कि सिटी मोड एसी के साथ सिटी के अंदर, और जूम मोड तो फिर वो अपनी सर दबेगी नहीं। हाँ जी, जूम मोड तो मैंने बिलीव यू मी शायद ना मैंने कभी लगाया है ना मुझे जरूरत पड़ी है। दो ही मोड चलते हैं, अगर गर्मियाँ नहीं होंगी सर्दियाँ होंगी तो मैं जिप मोड पे चला लेता हूँ। ठीक है सर। आप इस गाड़ी के अंदर ना सर मैं देख रहा हूँ कि 360 डिग्री कैमरा भी लग रखा है और आगे वाला गिर भी रखा है, तो ये चालू हैं सारे या फिर बस दिखावटी चीज़ है? ये दिखावटी है, ये जिस भाई ने लगाया था उसने कहा था कि मैं चालू कर दूँगा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है, अगर 360 डिग्री कैमरा इसमें लग सकता है तो जो इन्फोटेन सिस्टम है ना वो भी चेंज होता है पूरा। अगर मैं वो चेंज करा दूँगा पूरा तो फिर ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी 360 डिग्री की। हाँ जी। लेकिन अगर मुझे अपना वो इन्फोटेन सिस्टम चेंज नहीं करना है वही रखना है तो इक्विप्ड नहीं है गाड़ी ये। हाँ टेक्निकली तो ये सिर्फ डमी है, सिर्फ बैक कैमरा चलता है इसका। और एक बता, मैं जिप मोड बनाना चाहता था, मेरे को दिमाग स्किप हो गया, बताऊंगा बाद में। कोई बात नहीं सर। एक और चीज़ बताओ, मैं सर कई रील देख रहा हूँ, एक दो मैंने भी ओनरशिप लिए हैं, तो वो ये बोलते हैं कि जो गाड़ी के टायर है ना वो जल्दी घस जाते हैं, मतलब 45-50 हज़ार किलोमीटर पे घस जाते हैं। कैमरा बनाइए तो वो चलाने चलने डिपेंड होता है। अब मेरी गाड़ी चल चुकी है 35,000 किलोमीटर। हाँ जी। तो आप देख लीजिए गाड़ी कंडीशन का, तो आराम से बच रखा है। मैं इसको चला दूँ, उस भगवान ने चाहा तो 60,000 किलोमीटर तक गाड़ी मेरी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अलाइनमेंट मेरी गाड़ी की बढ़िया है, लेफ्ट राइट में गाड़ी की मेरी कम भागती है, और ये कंडीशन है। मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी के टायर जो है 60,000 किलोमीटर चल जाएंगे। हालांकि मेरी गाड़ी के जो टायर हैं स्टॉक टायर हैं, ये गाड़ी के टायर अच्छी क्वालिटी के नहीं है, MRF के टायर। ये टायर है, ये क्या कंपनी जो भी टायर देती है वो बिल्कुल ही आपको जो वेंडर सस्ता देगा हाँ वो सस्ता माल है। ये टायर इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो भी 60,000 किलोमीटर चला दूंगा। अगली बार मैं दूसरी कंपनी के टायर जो मैंने पसंद किए हैं वो लगाऊंगा। कौन से सर रिकमेंड, कौन से करूंगा? देखो योकोहामा का टायर आता है। हाँ जी, योकोहामा का टायर मैं लगाऊंगा इसके अंदर। ठीक है सर। और सर आपने पार्किंग सेंसर लगा रखे, ये वर्किंग है या फिर ये भी डमी है? कोई वर्किंग नहीं है ये, एक्चुअली में क्या है, ये होल को बंद करने के लिए डमी लगा रखा है मैंने। अच्छा। हाँ। सर इसके अंदर में आपने LED लाइट लगवा रखी है? हाँ लगा रखी है। इनका मतलब जैसे पहले हैलोजन आई थी तो उनका थ्रो अच्छा नहीं था क्या? बिल्कुल बेकार था, बिल्कुल बेकार था, वो आपको चेंज करने पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 60 ये मेरा 60 है, ये भी मेरा 60 है, ये हाई बीम है ये लो बीम है, और ये बहुत जरूरत होती है इसकी, इससे फर्क पड़ता है। और इसमें मतलब वायरिंग वगैरह फूकने कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है 60 पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जाते हो 75 लोग तो 220 चले जाते हैं, 110 उसमें दिक्कत होती है। मेरी तो गाड़ी देखो 1.5 साल हो गया, गर्मियाँ भी मैं झेल चुका हूँ, दूसरी गर्मी मेरी है, कभी कोई हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं, कोई टेक्निकली मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं गाड़ी में वही काम कराता हूँ जिससे मेरी गाड़ी में टेक्निकली कोई प्रॉब्लम ना है, मतलब हीटिंग वगैरह ना हो। सबसे लंबा टूर कितना किलोमीटर का मारा आपने गाड़ी? 3500 किलोमीटर, मतलब पूरा 7 दिन में 3500 किलोमीटर। अच्छा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई सर गाड़ी? 800 किलोमीटर गाड़ी चल, मैं प्रॉब्लम तो गाड़ी में है ही नहीं, गाड़ी में मेरी एक ही दिक्कत है, Z4 की बात कर रहा हूँ मैं, वो महिंद्रा का मैं बोला कि शायद उनमें उन्होंने भी हार मान ली है और ऐसे कस्टमर मैंने भी हार मान ली है। आप भी Z4 खरीदते हो तो ध्यान रखना, ट्रिप ए और ट्रिप बी बार बार जीरो होता ही होता है, ये फॉल्ट इस गाड़ी में है। वैसे तो महिंद्रा को कंपनसेट करना चाहिए कस्टमर को, सही बात है, पर क्या है कि भैया इंडिया में सही चलता है, कंपनसेट तो करते नहीं है, लेकिन ये है कि मेरी गाड़ी में ये फॉल्ट है ही है, ट्रिप ए और ट्रिप बी, और Z4 गाड़ियों में बहुत सारी गाड़ियों में है, शायद Z2 में भी ये प्रॉब्लम है, इनसे ये प्रॉब्लम, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मैंने क्या कहा है, कभी भी महिंद्रा की गाड़ी टेक्निकली जो साउंड गाड़ी होती है वो मत खरीदना, इनसे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सॉल्व होती ही नहीं है। टेक्निकली साउंड मतलब XUV700 है, फीचर्स वाली गाड़ी, हाँ। सारी चीज़ें अगर एक बार प्रॉब्लम आ जाती है तो ये हाथ खड़े कर देते हैं, जब तक प्रॉब्लम नहीं होती तब तक ये ठीक ठाक। तो फिर ऐसा भी आपने करा होगा कि भाई आगे कंप्लेंट कर दे महिंद्रा में? बहुत कंप्लेंट की, हेड ऑफिस से भी ट्यूनिंग हुई, सब कुछ हुई, बातचीत हुई, और मैं देखो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये प्रॉब्लम इनसे सॉल्व आज तक ही नहीं, देख लो अब मैं कितना लड़ दूँ, कितना लड़ लिया। और इस मैंने गाड़ी इसलिए नहीं बेची, गाड़ी में कोई कमी नहीं है मेरी, और एक इस दिक्कत से मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, सही बात है। अगर ट्रिप बी जो है तो यूज्ड हो गया, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने गाड़ी बेची भी नहीं है।
अच्छा, नहीं छोटी प्रॉब्लम होनी चाहिए। जब मैंने पेमेंट पूरी दी है, अगर मान लो महिंद्रा को मैं 50,000 रुपए कम का चेक काट देता, क्या गाड़ी में दे देते? नहीं देते बिल्कुल, एक रुपए भी कम में नहीं देते। तो यानी कि चीटिंग तो हुई ना। सही बात है, चीटिंग तो ये हुई कि मेरे को उन्होंने गाड़ी दी है, फॉल्ट है इस गाड़ी के अंदर, और ट्रिप पे और ट्रिप भी जीरो होता है, ये कोई माने या ना माने फॉल्ट है। मैंने ना आपकी एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर में क्या हुआ था, जो आपकी गाड़ी है यहाँ पीछे से हो गई थी डैमेज। हाँ हाँ, ये ठीक है, और इसके पार्ट में पीपीएफ थी। हाँ, फिर आपने इस पीपीएफ को हटवाया होगा, ठीक कराया होगा। हाँ, नया पीपीएफ हो गया। तो मतलब कॉस्टिंग किस में ज़्यादा सस्ती बैठती है, कि पेंट कराना सस्ता बैठते हैं, या फिर जैसे मान लो मैं गाड़ी, आप एक चीज़ समझना मेरी बात, कि मैं इसमें पीपीएफ नहीं चढ़वाता हूँ, ठीक है, मैंने पीपीएफ हटवा रखी है, पीपीएफ है ही नहीं गाड़ी पे, ये पार्ट लग गया, मैंने पेंट करा लिया, बस होगी धनाधन मेरी गाड़ी। अब जैसे आपने पीपीएफ चढ़वा रखी, तो पीपीएफ की कॉस्टिंग है। हाँ जी, देखो मैं आपको ये समझा देता हूँ, एक वर्ड होता है ओरिजिनल पेंट। ओरिजिनल पेंट याद रखना, जिंदगी में आप गाड़ी में कितने अच्छे पेंट करा दो, जो कंपनी के साथ जो पेंट होता नई गाड़ी में, वो पेंट आपको जिंदगी में नहीं मिलता, चाहे आप कहीं पे करा लीजिए। लोग बोलते हैं मैंने तो कंपनी में कराया, अरे कंपनी में तो कराया, वो भी तो स्प्रे से मारते हैं, स्प्रे से मारते। जो ओरिजिनल पेंट होता है वो आपका सेफ होता है पीपीएफ से। अच्छा जी, तो आप ये सोचते हैं मैंने इसको नया, अरे भाई वो नया पेंट नहीं हुआ है, वो आपने रीपेंट गाड़ी हो गई है। ठीक है, तो रीपेंट गाड़ी रीपेंट होती है, जो कहीं से कराओ आप। ठीक है, तो मैंने इसलिए पीपीएफ कराई है भाई इसमें, कि जब मैंने इसको उतारा तो मेरा सर वहीं पेंट हुआ, मतलब मेरे पेंट सेफ है, बस पेंट सेफ है। और कॉस्टिंग कितनी है इस पे लगवाने की दोबारा से पीपीएफ? यार फ्री में की मेरे को। चलो यूट्यूब रहने का फायदा होता है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, फ्री की है मेरी इसने। अच्छा सर, और वैसे गाड़ी पे कंप्लीट पीपीएफ कितनी हुई थी? मेरी हुई थी 55,000 रुपए की। 55,000 की, कितनी वारंटी गारंटी कुछ? वो तो उसने लाइफ टाइम दे रखी है मेरे को, तो 5 साल की थी वैसे तो, लेकिन अच्छी बात होती है यूट्यूबर की, तो वो कहते हैं कौशिक जी आपकी तो मैं लाइफ टाइम फ्री दूँ। सोनू को मैं रिकमेंड करता हूँ, बहुत ही अच्छा आदमी है, मेरी फ्री सर्विस होती है। अभी भाई आप लोग को पता होगा स्कॉर्पियन में ये ग्लोसी वाला आने लग गया है, तो सर आपने तो मतलब पहले ही R&D वालों से बात करके पहले ही लगवा लिया आपने ग्लोसी वाला। पर मेरे को ना एक चीज़ इसका नुकसान से लग रहा है, जैसे स्क्रैचेस से ज़्यादा आ रहे हैं इस ग्लोसी वाले पे, है ना? ये एक प्रॉब्लम रहती है ग्लोसी वाले में, बट ये है कि जब आपको ज़्यादा निशान लगे तो ये पार्ट आप नया डलवा सकते हो। और कितने का डलता है सर ये? 2-3-4 हज़ार रुपये का आता है। अच्छा सर, और सर जैसे मान लो आपने बताया, सॉरी काट रहा हूँ, इससे गाड़ी की लुक प्रीमियम हो जाती है। प्रीमियम सी लगती है ये चीज़ जो है, प्रीमियम बस थोड़ा क्योंकि सफारी से आया ना गाड़ी में, सफारी थोड़ा इंटीरियर थोड़ा प्रीमियम था सर। एक वो भी चीज़ है, वो टॉप एंड वेरिएंट चला रहे थे आप। हाँ हाँ, ये पर प्रीमियम तो है, देखो सफारी आप मान लो नई वाले में आप बैठ के देखना, इसके टॉप एंड में भी शायद अब आया है। हाँ, अब आ गया टॉप एंड में, तो टॉप एंड लेने में भी ये आपको प्रीमियम। आपने सर इतनी गाड़ियों की ओनरशिप कर ली है, तो मतलब आज तक ये चीज बताओगे कि सबसे मतलब बेकार प्रॉब्लम किसने बताई है, ये क्या आई है गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम? देखो इस गाड़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आई है भाई, एक गाड़ी आई थी मेरे पास, इस गाड़ी में चलते चलते ये एक्सलेट होनी बंद हो जाती है। तो आप गाड़ी चला रहे हो 60 स्पीड में और गाड़ी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, एक्सलेरेशन देनी बंद कर दी, पार्ट में चढ़ा रहे हो, एक्सलेरेशन देनी बंद कर दी। आप देख लो छोटी प्रॉब्लम है कि बड़ी है। दूसरी प्रॉब्लम ये आई थी, गाड़ी का स्टेयरिंग मुड़ रहे हो, टायर मुड़ ही नहीं रहे। अब बताओ अब ये क्या प्रॉब्लम है, छोटी है कि बड़ी है? हालांकि आती 1000 में से एक गाड़ी में, बट ये प्रॉब्लम मेरे को काफी बड़ी लगी। दोनों, जब एक्सलेट कर रहा हूँ तो जा नहीं रही, हाँ जी, और दूसरा जब स्टेयरिंग मोड़ रहा हूँ, गाड़ी बीचों बीच खड़ी है, स्टेयरिंग मोड़ रहा हूँ। तो ये मुझे दो इशू अभी फिलहाल याद आ रहे हैं जो मुझे काफी बड़े लगे थे। ठीक है सर, और सर एक और चीज बताओ, स्टेयरिंग व्हील का रेस्पॉन्स, गियर शिफ्टिंग, ब्रेकिंग, गाड़ी का कम्फर्ट, ये सब कैसे लगता आपको? मैंने तो हमेशा ये बोला जो भी भाई मेरा वीडियो देखता है, कि जब भी आप कंसिडर करें सिटी के अंदर तो ऑटोमेटिक कार लें। ठीक है, ऑटोमेटिक इस गाड़ी का बात करूं तो ये जो गियर टॉर्क कन्वर्टर कहते हैं इसको, ये फुल ऑटोमेटिक है, ये इसका काफी ठीक है, स्मूथ है, इतना स्मूथ नहीं बट ये है कि ओके है, अच्छा है, मैनुअल से बेटर लगेगा आपको फील करके। स्टीयरिंग भी काफी स्लीक है इसका, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इलेक्ट्रिक है ये, और ये मुझे बहुत कंफर्टेबल ड्राइव लगती है, टॉर्क कन्वर्टर भी, और ये भी अच्छे पॉइंट्स मैं देता हूँ इसमें, मुझे अच्छी लगती है। ब्रेकिंग सर? ब्रेकिंग तो इसका कोई जवाब ही नहीं, इस गाड़ी की तो एसी और ब्रेकिंग आप कॉम्पीट नहीं कर सकते सर। पिछले वाली पार्टी भी कहती है जो पीछे बैठता पसंद नहीं, एसी का तो बोलते हैं, एसी तो बहुत अच्छा है। मेरी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो जितने भी लोग आए एसी की कंप्लेंट किसी ने नहीं की मेरे को। हाँ जी। और आई थिंक टॉर्क कन्वर्टर की भी कंप्लेंट मुझे आज तक किसी ने नहीं की। हाँ, इसके अंदर क्या होता है, 4 डिस्क ब्रेक है इस गाड़ी के अंदर, तो ये गाड़ी सुबह सुबह एक बार डिस्क ब्रेक में आवाज आती है जब मैं हैंड ब्रेक को रिलीज करता हूँ। हाँ, वो आती है, बड़ी तीखी होती है। और एक चीज और देखिए, जब गाड़ी में इसमें सुबह
इसमें बैक करता हूँ तो जब मैं इस गियर को नीचे करता हूँ तो ढक के आ जाती है, ढक के आती है तो ये कुछ टाइट सा आती आती है, पर वो दिन में एक बार आती है ढक की आवाज, जब बैक करता हूँ तो आती है। हो सकता है वो डिस्क ब्रेक और इसका आपस का कोई लिंक हो तो वो उसकी वजह से, और जब खोलता तो आती है आवाज, ये आपने भी नोट किया होगा। और सर इसकी थर्ड रो वर्द लगती है आपको? थर्ड रो अगर यूज करनी है तो इस गाड़ी की थर्ड रो काफी गाड़ियों से अच्छी है, अगर यूज करनी है तो ठीक है, दो बच्चे आराम से बैठ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यूज करनी है तो बोल रहा हूँ, वरना इंडिया के अंदर थर्ड रो हमेशा चैलेंज रहता है, ये प्लीज आप ध्यान रखना। मैंने नहीं देखा किसी 25 लाख की 30 लाख की गाड़ी के अंदर थर्ड रो बहुत कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल हो। इससे पहले चला रहे थे आप टॉप एंड वेरिएंट, और आप एकदम से आगे Z4 यानी कि सेकंड बेस वेरिएंट पे, तो ऐसा क्या रहा कि भाई टॉप एंड से हटके एकदम सेकंड बेस में आ गए, फीचर्स भी कम हो गए गाड़ी में, तो क्या क्या रीजन है ऐसे? इसका रीजन तो ये है कि वो गाड़ी तो मैंने सनरूफ के लिए बेची थी, मुझे एक्चुअली में गाड़ी चाहिए थी विदाउट सनरूफ, ठीक है। अब विदाउट सनरूफ तो आई थिंक Z4 ही है, Z4 ही है, और मैनुअल आती है, अगर Z4 लेता हूँ तो इंजन की कैपेसिटी कम हो जाती है, कैपेसिटी कम है, तो मुझे अगर इंजन पूरा चाहिए विदाउट सनरूफ चाहिए, स्कॉर्पियो एन चाहिए, तो Z4 ऑटोमेटिक ही निकलती है। और मेरे पास बताया, मैंने कई बार बताया वीडियो में, 19 लाख रुपए आए थे सफारी बेच के, क्यों एक्सीडेंटल गाड़ी थी वो, तो 19 लाख में यही आती थी, तो हालांकि मेरे 1.5-2 लाख इसमें ऊपर लगे, पर इसी रेंज में आती थी सनरूफ वाली गाड़ी, 200 BHP वाली गाड़ी मुझे यही मिलती थी, ठीक है। और सर सनरूफ ना लेने का रीज़न? सनरूफ लेने ना लेने का रीज़न ये है कि मैं सनरूफ इंडिया में रेकमेंड किसी को नहीं करता, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, क्योंकि जब आप पहाड़ों के शौकीन होते हो, घूमने फिरने के शौकीन होते हो, और जब आपको दिल्ली या शहर में रहना हो जहाँ धूप भी बहुत पड़ती है, बरसातें भी ज़्यादा पड़ती है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको सनरूफ वाली गाड़ी अवॉइड करनी चाहिए। एसी भी देर में ठंडा होता है, गाड़ी ठंडी देर में होती है, और पहाड़ों पर अगर इतना पत्थर भी गिर जाता है तो वो अनसेफ हो जाती है गाड़ी। तो फिर भी अगर सनरूफ लेनी है तो ये छोटी जो सनरूफ है ना, ये फिर भी आप ले सकते हो, पूरा पैनोरामिक सनरूफ मैं अवॉइड करता हूँ, ये मेरे पर्सनल तजुर्बे हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी जैसे इससे पहले आप सफारी चला रहे थे, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता था चलाने में या फिर स्कॉर्पियन में ज़्यादा मज़ा आ रहा है चलाने में? देखो जी, मैं आपको बता दूँ, मेरे पास सफारी थी मैनुअल, ठीक है, और ये है ऑटोमेटिक, तो आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है सर। और ये चीज़ ये गाड़ी मैं बता दूँ आपको, बहुत ईजी टू ड्राइव है ये गाड़ी, स्टीयरिंग पे बैठने वाला आदमी सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है। सही बात है, मुझे नहीं पता पीछे वाला क्या होता है, लेकिन जो स्टीयरिंग पे बैठता है वो सबसे ज़्यादा इंजॉय इस गाड़ी करेगा, और ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो एन है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप स्कॉर्पियो एन ले रहे हैं तो आप, और सिटी में ड्राइव है तो ऑटोमेटिक ही लेना, ठीक है सर। अभी सर थार आने वाली है 5-door जिसको रॉक्स कह रहे हैं, तो उसमें क्या है सनरूफ भी दिखा रहे हैं, पैनोरामिक सनरूफ भी है, थोड़ा सा व्हील बेस ज़्यादा हो गया, तो क्या आपको ये लगता है कि ऑफ रोडिंग व्हीकल में सनरूफ होना ठीक रहेगा? अर्बन कस्टमर्स को वो कर रहे हैं, जो सिटी के लोग हैं वो खरीद लें, वैसे मुझे लगता कि थार जैसी गाड़ी के अंदर सनरूफ की ज़रूरत है। सही बात है, थार एक ऑफ रोड व्हीकल है, थार एक अलग फीलिंग वाली गाड़ी है, थार को मन में आते ही कुछ और फीलिंग आती है, उसमें सनरूफ वेंटिलेटेड सीट दे दोगे, मुझे लगता है कि ये खिलवाड़ सही है। अभी जैसे स्कॉर्पियन लास्ट टाइम इन्होंने लॉन्च की थी तो एक मतलब मन में ही और थी यार गाड़ी तो ये है, आपके मन में ऐसे कुछ आ रहा है कि भाई ना गाड़ी तो ये आएगी थार रॉक्स? मेरे को मैं वैसे बंदा नहीं हूँ लेकिन ये है कि उसके चाहने वाले बहुत हैं, और बता रहा हूँ जब वो 5-door वाली थार आ जाएगी और प्राइस अगर रीजनेबल हुआ तो पुराने वाली थार की कीमतें 4-5 लाख रुपए कम होने वाली है। सबसे अगर अनकंफर्टेबल कार कोई इस वक्त है मार्केट में वो थार है। सही बात है सर, हम स्पीति ले गए थे वो अनकंफर्टेबल ही, मतलब वो रुला देती आदमी। सही बात है, स्पेशली जो पीछे लोग बैठते हैं, पीछे तो है नहीं बैठा, सजा है वो सजा। एक और चीज बता दो सर लास्ट मुझे कि इसका बॉडी रोल है गाड़ी में नहीं है? देखो बॉडी रोल जब जहाँ तक मेरी समझ है, बॉडी रोल को समझना बहुत जरूरी है। बॉडी रोल होता क्या है, मतलब जैसे बॉडी रोल होता है जैसे कि एक तो होता है जब मोड़ आपने, जिसको आपने देसी भाषा बोले कि झोले मार, हाँ, अब लोग क्या समझते हैं बॉडी रोल कि आप चल रहे हो गाड़ी पर, आपने गाड़ी को मोड़ा, हाँ जी, और आप यूं हो रहे हो और यूं हो रहे हो, बॉडी रोल है वो बॉडी रोल नहीं होता। बॉडी रोल क्या होता है, जब आप धचकी लगती है गड्ढों में ये गाड़ी झूले, हाँ, और ये भाई बिलीव यू मी ये गाड़ी बहुत तगड़ी धचकी देती है, बहुत तगड़ी देती है, मतलब बंदा हिल जाता है अगर रोड में गड्ढे हैं तो। अच्छा। क्योंकि ये बॉडी, इस गाड़ी का बिहेवियर ही है, ये बॉडी ऑन फ्रेम है, हाँ जी। तो आप इसको वो मोनोकोर्क चीज से कंपेयर मत करना, इस गाड़ी के अंदर इसका बिहेवियर ही ऐसा ये मिलेगा इसके अंदर है, अगर मैं गड्ढों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप चल रहे हो हाईवे पे और गाड़ी को मोड़ रहे हो
तो गाड़ी मजरिया तो लोगों को बता दो कि ये गड्ढों में धचकियां देती है, बड़ी तगड़े वाली देती है, देती है कई बार तो, हाँ देती देती है। चलो भाई ये था एक ओनरशिप रिव्यू, होप आंसर शायद मिल गया होगा, कर दिया ना, बिल्कुल मिल गया, बिल्कुल मिल गया। चलो जी, जय श्री राम, जय बजरंगबली।